आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरीके से किसान आंदोलन की वजह से शुक्रवार को भी यात्रा बाधित रही और कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया और अन्य ट्रेनों को वहां पर बिल्कुल रद्द कर दिया गया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के मौसम के बारे में और कल किस प्रकार से वहां पर मौसम रहा, साथ साथ यात्रियों की संख्या व यात्रा की पूरी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 20 अप्रैल 2024 और आइए शुरू करते हैं आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, जिसके अंदर आज का पूरा ताजा अपडेट देने वाले हैं। शुरू करते हैं किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि माता वैष्णो देवी पर जाने वाली सभी ट्रेन लगभग कैंसिल की जा रही है। इसके अलावा कई ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है। बात करें तो पंजाब में किसान आंदोलन जारी है। 3 दिनों से किसान शंभू रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और इस वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट होने के कारण अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, साथ ही साथ कई ट्रेन जो है कैंसिल भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और शुक्रवार की बात करें यानी कल की बात करें तो कल भी लगभग 83 ट्रेनें प्रभावित हुई इस आंदोलन की वजह से। आपको बता दें कि बुधवार से पटियाला जिले के शंभू स्थित रेलवे स्टेशन के रेल ट्रैक पर पक्का धरना लगा रखा है। इस कारण लुधियाना के रास्ते अंबाला और अंबाला से लुधियाना की तरफ आने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट करके चलाना पड़ रहा है और कुछ को तो रद्द ही करना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट होने के कारण अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि कल 21 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था और वहीं 54 ट्रेन को रूट डाइवर्ट करके चलाया गया, 8 को शॉर्ट टर्मिनेट करके चलाया गया। बता दें कि किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर शंभू और संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर पर भी 13 फरवरी से नेशनल हाईवे जाम कर रखा है और जिसकी वजह से 67 दिन से नेशनल हाईवे बंद होने के कारण वाहनों को भी दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है। यानी कि अगर आप माता वैष्णो देवी बाय रोड भी जाते हैं तो भी आपको रास्ता चेंज करके ही भेजा जाता है आगे की ओर। हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो और सभी लोग सकुशल अपनी इस यात्रा को शुरू कर सके, किसी को भी इस यात्रा के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यात्रा संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी पर यात्रियों की संख्या जो नवरात्रों के अंदर थी उससे थोड़ा असर पड़ा है। अभी यह यात्रियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी नवरात्रि के समय वहाँ पर थी। दूसरा, ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भी इसके अंदर थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। थोड़ा सा लोगों के मन में भी एक डर है कि अगर हम वहाँ पर चले भी जाते हैं तो वापस आते वक्त भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जाए। और आपको बता दें कि बाय रोड भी अगर आप आ रहे हैं तो भी थोड़ी सी संशय आपके मन में रहती है कि किसी भी प्रकार से किसान आंदोलन की वजह से आपको आने या जाने में परेशानी ना हो। तो इसी वजह से अभी जो अगर हम कहें कि यात्रियों की संख्या कैसी है तो वो नॉर्मल बनी हुई है, उतनी ज़्यादा रश वहाँ पर नहीं है जितना नवरात्रों के समय में वहाँ पर देखा जा रहा था। आइए साथ साथ बात कर लेते हैं घोड़े पिट्ठू पालकी के बारे में। तो आपको बता दें कि ये सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी भी प्रकार से इनकी कोई सुविधा के अंदर अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। घोड़े पिट्ठू पालकी सुविधा अच्छे तरीके से वहां पर जारी है। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान सीढ़ियों के सहारे जाने वाले यात्रियों से संबंधित दे देते हैं। यदि आपकी उम्र ज़्यादा है या आपको किसी भी प्रकार से हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी इन सीढ़ियों का सहारा ना लें। सीढ़ियों के सहारे जाने से आपकी पल्स रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। धड़कन बढ़ने के कारण आपको किसी भी प्रकार से हृदय की कोई भी परेशानी हो सकती है। कोशिश करें कि इन सीढ़ियों का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें अगर आपको इस तरह की परेशानी होती है तो। और अगर आपको परेशानी नहीं भी होती है लेकिन आपकी एज अभी थोड़ी ज़्यादा है तो कोशिश करें कि इन सीढ़ियों का सहारा ना लें। होता क्या कि हमारी डेली रूटीन के अंदर हमें इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत नहीं होती है और जब हम अचानक से इस प्रकार से इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी, हमें सांस लेने की दिक्कत, हमारी पल्स रेट का ज़्यादा होना व अन्य धड़कन का महसूस होना, ये सब परेशानी हमें समझ में आने लग जाती है और हमें उस समय वहाँ पर रुक जाना चाहिए। और कभी भी अगर आपकी धड़कन बढ़ जाए तो आपको इस रास्ते को अवॉइड ही करना है और थोड़ा आराम करना है जब तक आपकी पल्स नॉर्मल ना हो जाए।
इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो कोशिश करें उनको जो वहाँ पर बेबी वॉकर चलते हैं उनके अंदर ही लेकर जाएं। आपको बता दें उसका किराया ज्यादा नहीं होता है, कटरा से लेकर ऊपर भवन तक जिसमें एक व्यक्ति उसको लेकर जाता है 540 रुपए किराया उसका आपको देना पड़ता है पूरे रास्ते के लिए। और अगर आप इसको खुद ले जाना चाहें तो आप इसके लिए 2000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराते हैं जो आपको वापसी में मिल जाता है वापस। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और सूचना दे देते हैं कि कल यानी कि 21 अप्रैल 2024 को यक्सोम अपने अन्य सभी YouTube पर जुड़े हुए सब्सक्राइबर के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस यात्रा को करने वाले हैं। और आपको बता दें इस यात्रा करने के लिए हमने स्लीपर एसी बस का अरेंजमेंट किया है और सभी लोग एक साथ इस यात्रा को करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे सभी लाइव प्रोग्राम आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर जरूर देखें, आपको पूरी यात्रा लाइव भी दिखाई जाएगी रात को 8:30 से 10 बजे तक। साथ ही साथ आपको बता दें कि भवन से भी लाइव किया जाएगा, वे अन्य जगह पर जहां पर ये मौजूद रहेंगे पूरी यात्रा का वीडियो भी बहुत जल्दी इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर काफी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली। आइए बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी पर स्थित मौसम के बारे में, किस प्रकार का मौसम अभी वहाँ पर बना हुआ है, कल कैसा मौसम रहा और आगे आने वाले 1-2 दिनों तक किस प्रकार का मौसम वहाँ पर रहने वाला है। आपको बता दें कि कल भी वहाँ पर बारिश हुई थी, कल सुबह के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली थी और रुक रुक कर कल पूरा दिन बारिश हुई थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मौसम अधिकतर क्लाउडी बना हुआ था, धूप आपको कल ज़्यादा देखने को नहीं मिली। अगर आज की बात करें तो आज पार्टली क्लाउडी हमारा मौसम रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे लेकिन बारिश का उतना ज़्यादा अंदेशा आज नहीं रहने वाला है जितना कि कल था। आपको बता दें कि 22 तारीख को एक बार फिर से कई चांसेस होंगे कि बारिश वहाँ पर वापस हो, यानी कि मंडे की हम बात करें जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। तो हमारे साथ जाने वाले जितने भी यात्री हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं या फिर अन्य रूट से वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं 22 तारीख को भी, तो आपको बता दें कि उस दिन आपको बारिश देखने को मिल सकती है। कोशिश करें कि अपने साथ एक रेनकोट या अम्ब्रेला जरूर लेकर आएँ और अम्ब्रेला से ज़्यादा हम आपको प्रिफेयर करेंगे कि रेनकोट ही लेकर आएँ, क्योंकि जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो आपका हाथ एक एंगेज ना हो, इसीलिए आप रेनकोट का इस्तेमाल ही करें, नहीं तो आपको अम्ब्रेला पकड़ते पकड़ते काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाएगी। अगर हम बात करें आज के मौसम के बारे में तो आज भी मौसम बिल्कुल क्लाउडी ही बना रहेगा पूरा दिन। मौसम को हम सुहावना भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर यात्रा ट्रैक पर आपको धूप देखने को मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है, क्योंकि यात्रा ट्रैक पर धूप होने की वजह से आपको चढ़ने में परेशानी होती है, आपको पसीना आता है, आपको डिहाइड्रेशन तक भी हो सकता है। कोशिश कीजिए इन गर्मियों के दिनों में अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं अपने साथ ग्लूकोज वगैरह जरूर रखें। जी हाँ, इलेक्ट्रोल रखें, ग्लूकोन डी रखें, साथ साथ लेमन जरूर रखें जिसका पानी बनाकर आप इस गर्मी के मौसम में चढ़ाई करते वक्त पी सकें और आपको एनर्जी मिलती रहे। अगर आप इस तरीके से यात्रा पर जाते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। कोशिश करें कि रात के वक्त ही इस यात्रा को शुरू करें जिससे कि अगर धूप होती है दिन के अंदर तो उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। लेकिन अगर मौसम साफ है, मौसम अच्छा है, बारिश की संभावना है, मौसम खुशनुमा बना हुआ हो तो आप दिन में भी इस यात्रा को कर सकते हैं। साथ आपको बता दें कि भवन पर ठंड अभी भी बनी हुई है, आप ये ना समझें कि भवन पर अभी ठंड नहीं है, भवन पर अभी भी ठंड है। अगर आप भी जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन पर आगे आने वाले कुछ दिनों में तो अपने साथ एक गर्म कपड़ा ऊपर भवन के लिए जरूर रखें, इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा अपडेट जो श्री माता वैष्णो देवी भवन से रिलेटेड हमने आपको दी। कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको रोज़ इसी तरह की नई नई ताज़ा अपडेट आपके घर बैठे ही आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी लोगों को जय माता दी।